फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड पर। आज हम आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाएंगे कि आंखों का कलर जो चेंज हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले से एक फाइल बना के रखी हुई है। इस फाइल में आप देख रहे होंगे ये जो कलर आपको शो हो रहा है येलो कलर आइज के अंदर, ये पहली पिक्चर जो थी हमारी वो इस तरीके से थी। ये आपकी ओल्ड पिक्चर है, ये हमने बनाई हुई थी, ये आपकी न्यू पिक्चर है। ठीक है, मैं इस पिक्चर को मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ओके, मैं इस फाइल को सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा और मैं आइज पहले से मैं डाउनलोड करके रखी हुई हैं, मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, और इस पिक्चर में ये जो आइज आपको दिख रही है इसका कलर हम किस तरीके से हम चेंज करते हैं। अब इसके बाद हम करने का, ये जो बैकग्राउंड लेयर है ये आपका जो एडजस्टमेंट लेयर होता है, एडजस्टमेंट लेयर है, इसमें आपको जाना है ब्राइटनेस पर। ठीक है, ब्राइटनेस, ठीक है, इसमें आपको ब्राइटनेस करना है। ये हमने ब्राइटनेस बढ़ा दिया, यहाँ मैं कर देता हूँ 100%। ये 100, ओके, और मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इसको। अब इसके बाद ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया, ये जो व्हाइट कलर आ रहा है ऊपर, ये यहाँ पे ऊपर ब्लैक होना चाहिए, तो इसके लिए हम प्रेस करते हैं एक्स, इससे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके आपको कंट्रोल दबा के आपको आई प्रेस करना है, आपका जो बैकग्राउंड लेयर था आपका ये वाला, उसका पिक्चर शो हो रहा है। अब देखेंगे, आप बी प्रेस करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप बी प्रेस करने पर, और ये जो आई है आपकी, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये पिक्चर मैंने जूम कर लिया। और यहाँ पे आपको ब्रश से इसको साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ब्रश का। ये हमारा ब्लैक लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स दबाएंगे, ये देखिए, ये हमने ब्राइटनेस बढ़ाई थी वो ऊपर निकल के आ रही है। केवल ये ब्रश ड्रैग करना है, वो आपको केवल इसकी आई पे ही ड्रैग करना है, बाहर नहीं निकालना है, ना आपका जो ब्लैक जो होल है आपका आंखों का, जो पुतली बोलते हैं आंखों की, उस पर भी नहीं आपको ड्रैग करना है। ठीक है, ये देखिए, कभी कभी क्या होता है ब्रश को ड्रैग करते समय ये बाहर निकल जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं एक्स प्रेस करते हैं, और ये ब्लैक जो कलर है आपका वो फोरग्राउंड कलर पर जाता है, तो वह हम यहाँ से सही कर सकते हैं। ये हम सही कर लेते हैं, इसके पिक्चर की जो फिनिशिंग है वो अच्छी लगती है। ओके, अब इसके बाद आपको करना है एडजस्टमेंट लेयर पे, फिर दोबारा से हम जाएंगे और यहाँ से हुए सेचुरेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कलर चेंज करना, मैं यहाँ पर 30% कर लेता हूँ। और यहाँ भी मैं 30% कर लेता हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये चाहिए मुझे कलर ये, या फिर ब्लू कलर चाहिए यहाँ से ये वाला। ठीक है, और यहाँ से ये, यहाँ से -10 कर लेता हूँ मैं, ये मुझे चाहिए वाला, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर आपको एक्स प्रेस करना है और कंट्रोल आई करना है,
और इसके बाद बी प्रेस करना है। आप देख रहे हैं माउस को ड्रैग करना है इसके आइज पर, इसकी आंखें हैं जो, इस पर माउस को ड्रैग करते जाना है। इस तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्रेस करना है, ये आउट साइड है वो सही कर लेनी है आपको। ठीक, ये कलर चेंज हो गया। अब इसके बाद आपको ये थंबनेल आपको शो हो रहा है, जो हमने ब्लू कलर लगाया हुआ था वो उसका थंबनेल है। अब जो आप चाहे वो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये तो पहले पहले से था ही, मैंने ये कलर, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओके, क्लोज कर। अब इन दोनों लेयरों को आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी करना। ये देख रहे हैं पिक्चर का कलर चेंज हो गया। ये हमारी ओल्ड पिक्चर है और ये न्यू पिक्चर है। आँखों का देखिए कलर ऐड हो गया आँखों में, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने के लिए आपको हमारा चैनल लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है।